आज हम टॉपिक कर रहे हैं डिवाइड द फॉलोइंग डेसिमल्स, यानी डेसिमल के जो डिवाइड करना है किस तरह से होगा। बहुत ही आसान सवाल है, हम सॉल्यूशन करेंगे। अभी हमारे पास जो भी अमाउंट होता है उसको हम अंदर रखते हैं डिवाइड करने के लिए, 17.1। ठीक है, 17.1 को डिवाइड किससे करना है, 6 के साथ करना है डिवाइड। अभी हमें टेबल पढ़ने होते हैं अंदर वाले के साथ, यानी टेबल आपको याद होगी तो आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं, टेबल याद नहीं तो ये बहुत सवाल मुश्किल होंगे। अभी देखें 6 का टेबल पढ़ेंगे, जहां पर 1 पे नहीं लगता है तो 17, अभी ये दो डिजिट आ गए तो 17 भी पढ़ेंगे। 17 भी पढ़ने के लिए अभी 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 वन 6, 6 टू 12, 6 थ्री 6 थ्री 18 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो बढ़ना नहीं है कम होना है। 6 टू 12, 6 टू 12, ये 12 आ गया। अब 17 में से 12 माइनस करेंगे, यानी 7 में से 2 गए तो 5 बचेंगे, और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, अब ये डेसिमल है, यही डेसिमल ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, अब ये 1 है तो 1 इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, अब हो गया 51। अब 51 पर 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 एट द 6 एट द 48, 6 एट द 48, 6 को 8 टाइम पढ़ेंगे, 6 एट द 48, और 6 9 द बढ़ जाएगा, बढ़ना नहीं चाहिए, ये कम होना चाहिए, या पूरा पूरा हो या कम हो। ठीक है बेटा, अब ये देखें 1 में से 8 नहीं जाते तो इससे 1 इसको दे दिया, इसके पास हो गए 11, 11 में से 8 गए कितने बचे, 3 बचे। ठीक है, अब यहाँ पर 4 है, 4 में से 4 गए तो ये बचा 0। अब यहाँ पर ये 3 बच रहा है, यहाँ पर कोई डिजिट भी नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे, डेसिमल लगी हुई है, जब डेसिमल लग जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, 0 लगा सकते हैं। ये हो गए 30। अब 6 का टेबल पढ़े, 30 पर कितनी मिनट लगेगा, 6 5 30, 6 5 30, 6 5 30, ये हो गया 30, ये पूरा पूरा लग गया, 30 में 30 गए तो रिमाइंडर आपके पास 0 बच गया, तो आपका आंसर क्या आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया 2.85 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। अब इसमें भी इसी तरह से करेंगे, क्या करेंगे, ये जो अमाउंट है स्टार्टिंग वाला इसको अंदर लिखेंगे 1.8, और जो डिवाइड करेंगे किसके साथ, 5 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे, 1 पे टेबल नहीं जा रहा। ठीक है, अब नहीं जा रहा है, बीच में डेसिमल भी है, आगे 8 भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब टेबल नहीं जा रहा तो हम 0 लगाएंगे। ठीक है, इस पे नहीं जा रहा है तो 0 लगाएं या ना लगाएं इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, मगर ये डेसिमल लगाएंगे, क्या करेंगे, ये डेसिमल लगाएंगे, तो ये डेसिमल हमने लगा ली। अब यानी ये दोनों अमाउंट हम ले सकते हैं, डेसिमल लगा ली, दोनों अमाउंट ले सकते हैं। अब 5 का टेबल पढ़े, 18 पर 5 3 है 15, 5 4 द 20, ये बढ़ जा रहा है, 5 3 का लगेगा, 5 3 द 15। अब 18 में से 15 गए, यानी 8 में से 5 गए तो 3 बचे, 1 में से 1 गया तो ये 0 बच गया। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, नहीं है तो अब डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है उसके बाद हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 30 पर, 5 का टेबल पढ़ेंगे 30 पर कितनी मतलब लगेगा, 6 टाइम लगेगा, 6 5 द 30, या 5 6 द 30, 5 6 द 30, 5 6 द 30, ये 30 में से 30 माइनस करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.36, ये हमारा आंसर रह गया। मजीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे पेज सुफिशर पर विजिट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आने वाले सीरीज लेक्चर आप तक पहुंचते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर अस इन योर प्रेयर्स।